नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जीआईसी प्रवक्ता जो मेंस का एग्जाम 6 फरवरी को होना है उसके लिए एक टॉपिक है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। आज हम उसके डेरिवेशन पे बात करते हैं। डेरिवेशन इसका आ सकता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण है क्या और इसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं की बात करूँगा मैं, क्योंकि इस प्रकार से बताऊंगा कि दोनों सीबीएसई बोर्ड, चाहे हिंदी मीडियम के रहे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही लोग आसानी से इसे कर पाएंगे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है या श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है? जब कोई बहुत लाइट पार्टिकल मूव करता है तो मूव करते समय वो वेव नेचर अर्थात तरंग समीकरण का प्रदर्शन करता है, तरंग गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, कोई बहुत स्मॉल पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है तेजी के साथ तो वो क्या करेगा, तरंग के गुण का भी प्रदर्शन करेगा। तो इसके लिए श्रोडिंगर ने क्या किया, मतलब वेरी लाइट मूविंग पार्टिकल जिसे आप इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, तो किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण दी, एक समीकरण का निगमन किया जिसे हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। तो ये आप भाषा लिख लेंगे, है ना, कि किसी गतिशील अथ सूक्ष्म कण के लिए श्रोडिंगर ने एक तरंग समीकरण का निगमन किया जिसे हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। अब ये एक्चुअली है क्या, ये समीकरण जो थी कहाँ से निकाली उन्होंने, ओरिजिनेट कहाँ से हुई? तो दो इक्वेशन जो कि पहले से नोन थी, एक थी क्लासिकल वेव इक्वेशन और दूसरी थी डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। तो उन दोनों को मिक्सअप करके उनकी मदद से श्रोडिंगर ने एक तीसरी समीकरण बना दी जिसे हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। तो आइए एक एक करके लिखते हैं, फिर आप चीज़ें जो मुझे समझानी मैं समझाता जाऊंगा। सबसे पहले जो मैंने लैंग्वेज बताई है वो आप लिख लेंगे, फिर आप लिखेंगे क्लासिकल, ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी में लिखूंगा, आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, क्लासिकल तरंग समीकरण, है ना, क्लासिकल वेव इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगी, क्लासिकल वेव इक्वेशन, डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर साई अपॉन ये डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन, यहाँ पर ये लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसे मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। ये क्या है, ये क्लासिकल तरंग समीकरण है, इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया। दूसरी हम लिखेंगे डी ब्रॉगली तरंग समीकरण या डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, उसमें आप क्या लिखेंगे भाई, सिंपल है, उसका भी आपको पता है, हाँ, कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 या समीकरण नंबर 2 लिख देता हूँ। अब एक एक करके हम वैल्यू पुट अप करेंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। देखिए सब मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, श्रोडिंगर ने क्या किया आप उसे देखो, मेरी बात छोड़ो, श्रोडिंगर ने कुछ नहीं, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण की हेल्प से लैम्डा की वैल्यू निकाली और उस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। आप देख रहे हो कि क्लासिकल वेव इक्वेशन में यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और डी ब्रॉगली तरंग समीकरण में भी क्या है, लैम्डा आ रहा है। तो श्रोडिंगर ने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू निकाली किसकी हेल्प से, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन की हेल्प से, और उसके बाद लैम्डा की वो वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर रखी और आप देखेंगे कि श्रोडिंगर वेव समीकरण बन के तैयार हो जाएगी। मार्कर में थोड़ा इंक कम हो रही है, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ गतिशील इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, वो दो समीकरण हमारे ऊपर बन चुकी हैं, क्या समीकरण बनेगा, अगर कुल ऊर्जा को मैं चलो लिख भी देता हूँ यहाँ पे, है ना, गतिशील इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, या ऊपर आप लिख दीजिएगा गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए कुल ऊर्जा बराबर सूत्र हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, मींस टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कुल एनर्जी को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी को के ई से डिनोट कर रहा हूँ, स्थितिज ऊर्जा को वहाँ पे इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को बी से डिनोट किया था। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, मैं समझता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के ई की वैल्यू निकालना चाहूँ
तो के ई को मैं इधर ले आता हूँ, एक पक्षांतर जानते होंगे आप लोग, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ई माइनस बी, ठीक है, इस बी को मैं इधर ले आया तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ई माइनस बी हो जाएगा, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आप जानते हो क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लगा दी, विल बी इक्वल टू ई माइनस बी। अब आप यहाँ पर देखिए एम बी, मुझे यहाँ पर लैम्डा, मुझे चाहिए लैम्डा की वैल्यू, और इस पूरे फार्मूले में कहीं भी लैम्डा नहीं आ रहा, तो मैं लैम्डा कहाँ से लेकर आऊँगा। तो एज वी नो, अभी अभी हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इस तरह पढ़ा था, या ऐसे ही हम लिख सकते हैं क्या, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। अरे पी इधर आ जाएगा, लैम्डा इधर पहुंच जाएगा, है ना। मैं समझता हूँ इतनी बारीक बातें बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, फिर भी ये पी इधर आ गया, लैम्डा इधर आ गया, लिख सकते हैं हम, चूँकि ये होता ही है, पहले से होता है, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है। मैं बोल रहा था पहले कि डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। पी, पी जो कि संवेग होता है, क्या होता है, पी इज विल बी इक्वल टू एम इंटू बी। तो क्या फार्मूला आ गया हमारे पास, फार्मूला आ गया कि एम इंटू बी काहे के इक्वल है एच अपॉन लैम्डा के, और यहाँ आप देख रहे हो कि एम बी तो दे रखा है, तो मैं चाहूँ तो एम बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से दिख रहा है आपको, एम बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन लैम्डा, यानी एम स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा। दोबारा समझिए, एम बी काहे के इक्वल है एच अपॉन लैम्डा के, एम स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा। तो अब स्क्वायर एम स्क्वायर तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एम से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और एम से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। इन दैट केस क्या आपके सामने पिक्चर आने वाली है, यहाँ पर ये एक बटा दो ऐसे ही रहने वाला है, जब मैं ऊपर एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर, तो पहले से ही है। अब ऊपर एम से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करूंगा, कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ लीजिएगा, वैसे ये तो चीज़ें मैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एम से ऊपर मल्टीप्लाई किया, एम से नीचे मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पर ऐसे करके आ गया, विल बी इक्वल टू ई माइनस बी हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें भाई, अब जैसा कि आपने देखा है एम वी क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है, तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा, इसे चाहो तो आप समीकरण भी दे सकते हो, जिससे आपने इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण तीन से क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है कि एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू काय के हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो मैं वैल्यू यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो एक बटा दो ऐसे ही रहेगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इसकी जगह पे आ गया, अपॉन में एम पहले से ही है, ये ई माइनस बी, लेकिन फिर वही बात, मुझे तो वैल्यू लैम्डा की चाहिए, तो मैं लैम्डा को जो चीज़ नीचे होगी ना वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, पक्षांतर करने पर ऊपर वाली चीज़ नीचे आएगी, तो मैं लैम्डा स्क्वायर को इधर ले जाऊँगा, ये ऊपर आ जाएगा, ई माइनस बी कहाँ, नीचे आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ एक बटा दो एच स्क्वायर अपॉन एम तो रह गया यहाँ पे, ई इधर से इधर आ गया ई माइनस बी, और ये लैम्डा स्क्वायर ऊपर पहुँच गया, तो ये काय की वैल्यू मुझे मिल गई, मुझे लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। इसे चाहो तो आप इक्वेशन नंबर दे दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नंबर फोर कर दीजिए इसे। समीकरण चार से अब क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू निकली है लैम्डा स्क्वायर की, लैम्डा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आपको रखनी है इस वाली समीकरण में, समीकरण नंबर एक में। तो आइए करते हैं, क्या करेंगे आप देखते जाइए, डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर बाई स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर जेड स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, प्लस फोर पाई स्क्वायर साई, ऐसे लिख दिया, लैम्डा की जगह लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू ये लगा रहा हूँ मैं, क्या आएगा एक बटा दो, एक लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एच स्क्वायर अपॉन टू एम ई माइनस बी, आप देख पा रहे हैं एच स्क्वायर अपॉन टू एम ई माइनस बी, ये वैल्यू मैंने लैम्डा स्क्वायर की लगा दी, और इक्वल्स कह के चल रहा है जीरो के चल रहा है। अब ये जो नीचे वाला जो मैंने लिखा, ये कहाँ जब पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा, ये पूरा फैक्टर ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आएगा, तो फोर टू जा एट हो जाएगा, पाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एम ऊपर आ जाएगा, ई माइनस बी ऊपर आ जाएगा, साई ऐसे ही रहेगा, तो क्या लिख पा रहे हैं हम यहाँ पे,
डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर जेड स्क्वायर प्लस, अब ये टू ऊपर आ गया तो हो गया यहाँ पर एट, पाई स्क्वायर पहले से ही है, ये एम ऊपर आ गया, ये ई माइनस बी भी ऊपर आ गया, आगे पीछे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, इंटू साई है और अपॉन अब यहाँ पर बचा है एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यही क्या है, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है, दिस इज द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो क्वेश्चन को अगर हम बोलें एक तरह से तो एक पार्ट पूरा हो गया। अगर आपसे बोलता है केवल बोलता है कि क्लासिकल तरंग समीकरण और डी ब्रॉगली तरंग समीकरण की सहायता से क्या करिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालिए, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का आधारभूत मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चर ये रहता है। कभी कभी अगर आप लोग देख लीजिए आपके मतलब का, वो बता देता हूँ, कभी कभी बोलता है इसमें इसे लाप्लासे ऑपरेटर की फॉर्म में लिखो, या कभी कभी बोलता है कि इसे हैमिल्टन ऑपरेटर की फॉर्म में लिखो। तो मैं आगे की स्टेप थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, आप बाद में चाहें तो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। मतलब श्रोडिंगर तरंग समीकरण हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हम लाप्लासे ऑपरेटर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे या इसे हैमिल्टन ऑपरेटर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो पहले आप सिंपल सा ये समझ लो कि ऑपरेटर होता क्या है। अरे कोई ऑपरेटर पर ऑपरेटर नहीं होता भाई, सिंपल सा ऑपरेटर क्या है, एक प्रोसेस है। ऑपरेटर एक प्रोसेस है जिसमें पहले से फिक्स होता है कि आपको एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड करना है, फिर आपको प्लस करना है, उसके बाद आपको माइनस करना है। उस प्रोसेस को हम एक नाम दे देते हैं क्या, ऑपरेटर। जैसे मैं कर दूं क्या a प्लस बी अपॉन सी, है ना, प्लस कर दूं d, तो ये मेरा एक ऑपरेटर हो गया। मतलब मेरे पास चार वैल्यूज होंगी ना a b c d, तो मैं पहली वैल्यू लिखूंगा, दूसरी को तीसरी वैल्यू से डिवाइड करूंगा, फिर चौथी वैल्यू जोड़ दूंगा। तो ये जो प्रोसेस है यही तो ऑपरेटर है, तो मुझे इसे ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना है। समझ पा रहे होंगे, ऑपरेटर क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सीक्वेंस पहले से डिसाइड होता है कि पहला नंबर ऐड करना है, दूसरे को आपको डिवाइड करना है, तीसरे को आपको मल्टीप्लाई करना है, वॉट एवर, फिक्स्ड प्रोसेस नोन एज द ऑपरेटर। तो अब इसमें क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो सकती है, मार्कर गड़बड़ कर रहा है भाई, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है, मैं इसमें से इतना जो पोर्शन आपको दिख रहा है, मैं लाप्लासे ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, मैं इतने पोर्शन में से साई को कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ भी साई है, यहाँ भी साई है और यहाँ भी साई है। तो ऊपर देखिए आप क्या बचेगा, डेवर स्क्वायर साई तो कॉमन में चला गया अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर जेड स्क्वायर, ये पूरा आ गया। और इस पूरे से मैंने यहाँ से यहाँ तक जो था वो साई को कॉमन ले लिया, प्लस क्या बच रहा है, देखिए प्लस बच रहा है एट पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी, ठीक है, इंटू क्या आ रहा है साई, ठीक है ये तो है बस, और अपॉन में भाई एच स्क्वायर भी है, एच स्क्वायर और इक्वल टू जीरो। अब ये जो वैल्यू है इसे ही लाप्लासे ऑपरेटर कहते हैं, मतलब डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर जेड स्क्वायर, ये जो वैल्यू है दिस इज नोन एज लाप्लासे ऑपरेटर, और इसे डेल्टा से शो किया जाता है। डेल्टा क्या है, ये है लाप्लासे ऑपरेटर, लाप्लासे ऑपरेटर। भैया विजिबिलिटी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज आप लोग, हैं ठीक है। तो लाप्लासे ऑपरेटर हो गया। अब पुटिंग ये वैल्यू, मतलब इस पूरी जगह की जगह पे मैं लाप्लासे ऑपरेटर लिख दूं, मतलब डेल्टा। तो अब देखिए आप देखिए, सॉरी ये अगर इस पे स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो डेल्टा होगा, सब पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये तो लाप्लासे ऑपरेटर ये हो गया, सिंपल ऐसे समझो। इस फंक्शन को बोलते हैं क्या, लाप्लासे ऑपरेटर, लेकिन सब पे स्क्वायर है ना, तो मैंने इधर भी क्या किया, सबके स्क्वायर करके रखा हुआ है, इधर भी और इधर भी, तो ये हो गया लाप्लासे ऑपरेटर। तो इसकी जगह पे यानी इस वैल्यू की जगह पे मैं डेल्टा स्क्वायर लिख देता हूँ इस वाली समीकरण में। तो समीकरण नंबर आप लोग डाल लीजिएगा, थोड़ा सा डाल दे दीजिए, इसे क्या नंबर दिया था, चलिए जो भी है फाइव नंबर होगा शायद, ये फाइव, ठीक है, समीकरण फाइव में हम चेंज कर रहे हैं। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है, तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, अब हम यहाँ पे डेवर डेल्टा स्क्वायर साई प्लस एट
पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये है लाप्लासी ऑपरेटर। तो ये आपकी श्रोडिंगर तरंग समीकरण हो गई, किसकी फॉर्म में? लाप्लासी ऑपरेटर की फॉर्म में। तो अगर श्रोडिंगर तरंग समीकरण लाप्लासी ऑपरेटर की फॉर्म में लिखे, भाई केवल श्रोडिंगर तरंग समीकरण पूछता है, आधारभूत तो पहले हो चुकी थी, ये हो गई। अगर लाप्लासी ऑपरेटर की फॉर्म में कहता है तो थोड़ा सा आगे और बढ़ जाइए, ये लाप्लासी ऑपरेटर की फॉर्म में हो गई। एक और ऑपरेटर होता है हैमिल्टन ऑपरेटर, कभी कभी ये भी बोलता है, थोड़ा समय और लगेगा, बता देता हूँ उसे भी मैं, कि हैमिल्टन ऑपरेटर की फॉर्म में लिखिए किसे? श्रोडिंगर तरंग समीकरण को। तो चूंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं किया जा सकता, मैं इसे कंप्लीट ही करूंगा। और आई होप कि अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि अगला वीडियो लाने के लिए मुझे थोड़ी ऊर्जा मिल पाए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही ऊर्जा मिलती है। अदरवाइज सभी लोग व्यस्त हैं, मेरे पास वीडियो बनाने का समय बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। चलिए अब देखिए क्या करते हैं। अब अगर पूछता है कि हैमिल्टन ऑपरेटर की फॉर्म में लिखो, तो हैमिल्टन ऑपरेटर की फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। हैमिल्टन ऑपरेटर के लिए क्या करेंगे हम? हैमिल्टन ऑपरेटर हेतु, ठीक है, अगला वीडियो चाहिए हो आपको तो भाई प्लीज सब्सक्राइब चैनल को करिएगा और लाइक भी करिएगा तभी, क्योंकि एनर्जी उसी से मिलती है। बड़ा दिनों में हिम्मत करके मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि इट्स ऑल्सो अ टिपिकल जॉब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस में इधर लिखा हुआ है, अगर मैं इसे इधर ले जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा। तो इसी समीकरण को आगे बढ़ा रहा हूँ, डेल्टा स्क्वायर साई प्लस नहीं सॉरी, अब मैं इसे पक्षांतर करूँगा, इस चीज़ को इधर ले जाऊँ, क्योंकि बराबर में जीरो दिख रहा है आपको, तो इक्वल टू माइनस 8π² m अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ रहा है, e माइनस वी साई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ तक ही आपका आ गया ऑपरेटर। ठीक है, अब मुझे इसमें हैमिल्टन ऑपरेटर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले चीज़ को इधर लेके आता हूँ। अब इधर लेके आऊँगा तो जो अपॉन में है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह से इसे मैं h को ऊपर ले आया, तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 8π² m। भाई प्लस में थोड़ी ना है, मल्टीप्लाई में है, पक्षांतर करेंगे तो ये नंबर पलट जाएगा। तो ये माइनस वाला जो था इधर आके क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन 8π² m। इंटू क्या है, इंटू है डेल्टा स्क्वायर साई, और इक्वल टू यहां पर क्या बचा है, ई माइनस, तब ये जीरो हट जाएगा क्योंकि मैंने पक्षांतर कर दिया ना, ये जीरो नहीं आएगा यहां पे, ई माइनस बी, और यहां पे आ रहा है ये साई। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमने यहां तक लिख लिया, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, माइनस एच स्क्वायर 8π² m इंटू ये जो आपका लिखा हुआ है डेवर स्क्वायर साई, साई से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ई साई माइनस बी साई, ई साई माइनस बी साई। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8π² m इंटू डेल्टा स्क्वायर साई। अब ये जो आपको दिख रहा है माइनस का बी साई, अगर मैं पक्षांतर करके इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का बी साई हो जाएगा, प्लस बी साई। ठीक है, इक्वल टू क्या बचने वाला है, ई साई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर से वही काम करेंगे, यहां पर साई कॉमन है, साई कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो क्या आएगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8π² m। ठीक है, साई कॉमन में चला गया तो क्या बचा, इनटू यहां पर क्या बच रहा है, डेल्टा स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, प्लस क्या बचेगा भाई, बी बचेगा, डेल्टा स्क्वायर प्लस बी, और क्योंकि यहां पर क्या कॉमन चला गया भाई, बाहर कॉमन चला गया साई, डेल्टा स्क्वायर बच गया, बी बच गया, साई कॉमन में चला गया, इक्वल टू कह रहा है ई साई आ रहा है यहां पे, ई साई। अब ये जो वैल्यू है, ये प्रोसेस जो है, ये बताया था हैमिल्टन ने, तो इसे ही बोलते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर। हैमिल्टन ऑपरेटर को एच से शो करते हैं, एच फॉर हैमिल्टन, शांति दे दी हमने उन्हें। और ये जो साइन है ये ऑपरेटर का है,
तो क्या हो गया हैमिल्टन ऑपरेटर, तो ये हैमिल्टन ऑपरेटर का इक्वल होता है, ये इक्वल होता है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल्टा स्क्वायर प्लस बी, यानी ये जो प्रोसेस है ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी हैमिल्टन महोदय के द्वारा, दैट इज वाई इसे हम हैमिल्टन ऑपरेटर कहते हैं, और इस पूरे को शो करते हैं कैसे एच से। तो इस पूरे की जगह मैं क्या करूँगा, समीकरण दे दीजिए चाहे तो इसे आप, इस पूरे की जगह मैं लिख दूंगा हैमिल्टन ऑपरेटर। तो जब मैं यानी कि हैमिल्टन ऑपरेटर का मान रखने पर, ऐसे लिख सकते हो आप का मान रखने पर, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह हैमिल्टन ऑपरेटर लिखूंगा, तो एच हैमिल्टन ऑपरेटर इंटू क्या है भाई साई इक्वल टू क्या है ई साई। तो ये श्रोडिंगर की तरंग समीकरण हो जाती है किस फॉर्म में, हैमिल्टन ऑपरेटर की फॉर्म में। ओके दोस्तों आज इतना ही, अच्छा लगा हो तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, मिलते हैं आपसे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।